तो इस रोड टू सीक्रेट वॉर्स में मल्टीवर्स साइड को तो देखो डेडपूल एंड वुल्वरीन गरम क्या डीप फ्राई करने ही वाला है, बट जल्द ही शायद मार्वल के कॉस्मिक साइड का लैंडस्केप भी चेंज होने वाला है, और चेंज करने वाला और कोई नहीं थॉर 5 ही होगा। लाइक अगर देखो मार्वल इसको वैसे ही कुक कर रही है ना जैसे मैं सोच रहा हूँ, तो ये फिल्म भाई बहुत बड़ी होगी, बिकॉज ये ना कि ओनली हमारे बाप बेटी यानी थॉर और लव की स्टोरी को कंटिन्यू कर सकती है, बट उसी में ये इटर्नल्स, सेलेस्टियल्स और लोकी को भी डाल के एक अल्टीमेट फिल्म बना सकती है। So, चलो बताता हूँ कैसे। तो करंटली देखो तीन बेरोजगार यानी इटर्नल्स, थॉर और लोकी तीनों ही घर पे बैठे हैं, कुछ काम वाम है नहीं इनका। लाइक इटर्नल्स 2 को तो मार्वल ने कैंसिल कर दिया, थॉर अभी बेबी सिटर बने हुए हैं और कब तक बने रहेंगे ये भी नहीं पता, और लोकी तो भाई सबसे अलग है, ये चाहे भी तब भी नहीं आ सकते क्योंकि ये खुद जाने भी जाएगा ना तो करोड़ों साफ हो जाएंगे, उठ के आना तो दूर की बात है। बट यही पे हमारा थॉर 5 एक्चुअली मार्वल के इन सारे लूज एंड्स यानी इटर्नल्स, वैलहाला, सेलेस्टियल्स एंड इवन लोकी भी इन सभी को ऐसे मोड़ मार के जोड़ सकता है। बोलता हूँ कैसे। लाइक इतना तो हमें पता ही है कि इटर्नल्स 2 एक अवेंजर्स लेवल की फिल्म होने वाली थी, जिसमें अपेरेंटली मार्वल वाले द जजमेंट डे के स्टोरी लाइन को अडेप्ट करने का सोच रहे थे। और अगर तुमको नहीं पता कि स्टोरी लाइन में एक्चुअली होता क्या है, तो मैं बताता हूँ मैं किस लिए बैठा है, क्योंकि चाहे अब ये इटर्नल्स 2 में न देखने मिले बट शायद ये सीधा थॉर 5 में ही देखने मिल सकता है। सो जानना तो बनता है। तो यहाँ बेसिकली हुआ क्या था कि इसमें हमारे अवेंजर्स, इटर्नल्स, एक्समैन इन तीनों फैक्शंस के बीच गर्मा गर्मी चल रही थी, क्योंकि वैसे नई बात तो नहीं है, ये हर दूसरे दिन लड़ते रहते हैं। बट इन सब का भाई लगना तो तब चालू हुआ जब इनके दंगों पंगों के बीच द प्रोजिनेटर नाम का एक इनसेनली पावरफुल सेलेस्टियल जाग गया, और जागते ही उसने धरती का भाई एक्सपायरी डेट डिक्लेयर कर दिया यानी जजमेंट डे। इसने सीधा कह दिया कि अगले 24 घंटे में ये धरती के ऐसे हर सिंगल बंदे को जज करेगा, और अगर इनकेस अच्छाई से ज्यादा बुराई उसे दिखी तो सर सायोनारा, एंटायर अर्थ को मिटा देगा। सो वैसे ही हमारे थोड़े ट्विस्ट के साथ मार्वल ने हमारे एमसीयू में भी स्टोरी लाइन को सेटअप कर दिया है। लाइक हमारे बिग बैड बॉय एरिसम तियामुट के जाने के दुख कम गुस्से से इटर्नल्स के तो खटिया खड़ी करने ही वाले, बट तैयार हो जाओ इसके आंखों की गहराइयों में घुसने के लिए, क्योंकि ये भाई इंसानों पे भी अपना रात बरसाएंगे बहुत ही जल्द। बिकॉज सर एज वी ऑल नो हमारे कैप्टन अमेरिका 4 बहादुर ने दुनिया में सारे देश कुल्हाड़ी पकड़ के खड़े तो होने ही वाले तियामुट के बॉडी से एडामेंटियम खोद के निकालने के लिए, विच ऑल्सो मीन्स कि एडामेंटियम को लेके एक भयंकर वॉर भी चालू होने वाली है। सो ऑब्वियसली सर जब ये इंसानों के उत्तम उत्तम कांड एरिसम को पता चलेंगे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन एक सेलेस्टियल के बॉडी के साथ ये सब कर रही है, तो वो भाई अपने दो आंख घर छोड़ के आएगा इनका विचार करने। इसके तो वैसे ही नाम में ही जा जाए, ये नहीं करेगा तो कौन करेगा। और सीधी बात है इटर्नल्स हमारे अकेले तो इसे रोक नहीं पाएंगे, चबा के थूक देगा, सो वो सीधा जाएंगे हमारे मोस्ट पावरफुल अवेंजर, नहीं ये दीदी जरूरत के टाइम मिलती नहीं, थॉर के पास। और ऑब्वियसली भाई साहब मिडगार्ड को तो वैसे ही प्रोटेक्ट करते हैं, बट अब जब एस्गार्ड भी धरती पे है तो प्रायोरिटी 10 times बढ़ जाती है। वो धोती बांध के एक हाथ में म्योनीर, एक हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर लेके जाएगा। बट सर ये कोई पड़ोस के प्लैनेट का चिंदी साइलियन तो है नहीं, इस आंखों की दुकान ने लिटरली लाखों गैलेक्सीज को अपने हाथों से बनाया है, सो उसे हराने के लिए अपग्रेड तो होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे थॉर उनकी बेटी लव इटर्नल्स के साथ मिलके यग्द्रासिल ट्री समझे यानी लोकी की तरफ निकल जाएंगे। अरे कुछ नहीं, सिर्फ अपने आप को एक गॉड लेवल अपग्रेड देने के लिए। लाइक कॉमिक्स में देखो, क्योंकि ये माना जाता है कि यग्द्रासिल ट्री में एनॉर्मस पावर से ठूस ठूस के भरी हुई है, और अगर तुम उसके आगे जाके कोई सैक्रिफाइस करते हो तो तुम्हें ये यग्द्रासिल ट्री अपने हिस्से का बस थोड़ा सा मैजिक दे देती है, जो कि बिलीव मी थोड़ा तो भाई बिल्कुल नहीं है, बहुत से भी बहुत है। क्योंकि एग्जैक्टली ऐसे ही कॉमिक्स में यग्द्रासिल से अपने आप को सैक्रिफाइस करके थॉर अपना सबसे पावरफुल वर्जन रून किंग थॉर बना था, और डॉक्टर स्ट्रेंज भी एक बार गॉड ऑफ मैजिक, सो इसीलिए थॉर और लव यग्द्रासिल से अपग्रेड होने के लिए निकल जाएंगे। इसके दौरान एक इंटेंस एडवेंचर देखने मिलेगा, दिखना तो चाहिए। और फाइनली यग्द्रासिल के पास पहुंचने के बाद थॉर हमारे आहिस्ते आहिस्ते से पेड़ के ब्रांचेस तक अप्रोच कर ही रहा होगा कि हरक्यूलिस उन पे आउट ऑफ नोवेयर आके अटैक कर देगा। हमें यग्द्रासिल के आगे एक इंटेंस बैटल देखने मिलेगा गॉड ऑफ थंडर वर्सेस गॉड ऑफ स्ट्रेंथ के बीच, बट इन द एंड सर मे बी लव को बचाते थॉर हमारे मारे जाएंगे जस्ट यग्द्रासिल के नीचे। अरे कटाना अंदर रखो, चूरा वूरा क्यों निकालते हो, मैं बोल रहा हूँ ना आगे। सो हरक्यूलिस से एक इंटेंस बैटल में लड़के उड़ने के बाद थॉर हमारे सर ऑब्वियसली तुम बताओ कहाँ जाएंगे।
सही जवाब डिज्नीलैंड वैलहला में। हमें वैलहला में जेन, हैमडाल, ओडिन एंड मे बी लोकी, इन्फिनिटी वॉर वाला लोकी, इन सब के छोटे मोटे कैमियोस देखने मिल सकते हैं। और पूरे खानदान से भाई मिलाप करने के बाद आइदर वहां के लोकी या तो हमारे गॉड ऑफ स्टोरीज के लोकी की उसे आवाज आएगी कि ब्रो वेट, आ गए, सबसे मिल लिया, अच्छी बात है, बट अभी तुम्हारा टाइम हुआ नहीं है वैलहला का परमानेंट सिटीजन बनने का। बिकॉज जेंटलमैन, तुम्हें याद ही होगा थॉर हमारे यग्ड्रासिल के जस्ट ही आगे टपके थे। सो इसीलिए थॉर रेजरेक्ट हो जाएगा और इस बार रून किंग थॉर बनके, जिसके बाद थॉर, इटर्नल्स, लव सारे मिलके सेलेस्टियल से लड़ने निकल जाएंगे और फाइनल बैटल में हमें इनकी और सेलेस्टियल्स के बीच एक अल्ट्रा लेजेंडरी बैटल देखने मिले, पूरा आर या पार। एंड फिल्म के एंड में सब कुछ ठीक होने के बाद थॉर में भी जस्ट लाइक कॉमिक्स एक गहरी नींद में चले जाए, मे बी सीक्रेट वॉर्स तक। सो तुम्हें ये थ्योरी कैसी लगी डेफिनेटली बताना, और ऐसे ही हमारे रापचिकदार थ्योरीज, ब्रेकडाउन, सब कुछ, एवरीथिंग मल्टीवर्सल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं तुमसे मिलूंगा एक और टाइमलाइन में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।